Azubillahi Minashaykh Oni Rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. is Sadaf Ayyub here from Metropolitan School. It's math time for class 6. Beta, today our topic Form Algebra Addition or Subtraction of Algebraic Expressions. Before starting our topic, we will revise some important points about algebra. Like term, in previous lesson beta i explained you about this two or more terms which have same variable and same exponent are called like terms here are a square is same in all terms that's why these are like terms and unlike terms having different variable with different exponent or power ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड ए क्यूब आर डिफरेंट वेरिएबल विथ डिफरेंट पावर दैट्स वाई दीज आर अनलाइक टर्म्स एंड बेटा इन एल्जेब्रा ओनली लाइक टर्म्स कैन बी एडिड और सब्टीन्स बेटा सिर्फ लाइक like टर्म्स को हम ऐड या सब्रैक्ट कर सकते हैं एड लाइक टर्म्स विद लाइक साइंस एंड्रैक्ट लाइक टर्म्स विद अनलाइक साइंस लुकअर बेटा टू एंड एंड थ्री एन दीज आर लाइक टर्म्स तो जब हम ऐड करेंगे तो हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं लेकिन टू एंड एंड फाइव एम दीज आर अनलाइक टर्म तो हम इसको ऐड नहीं कर सकते वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट बेटा वैन वी एड और सब्रेक्ट टर्म्स वी विल जस्ट चेंज द कोफिशेंट मीन्स बेटा हम सिर्फ कॉफिशेंट को ऐड करेंगे वेरिएबल और उसकी पावर को चेंज नहीं करते ना बेटा वी विल सॉल्व एक्सरसाइज एट बी क्वेश्चन टू which इज अबाउट एडिशन ऑफ algebraic एक्सप्रेशंस इसमें बेटा हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को एड करेंगे एंड बेटा वी हैव टू मैथड ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल और बेटा मैं आपको इस वीडियो में दोनों मैथड से एडिशन एंड सब्टशन करवाऊँगी आपको जो ईजी लगे आप वो मैथड अप्लाई कर सकते हैं देन फर्स्टली टू एक्स राइट टू एक्स देन राइट थ्री एक्स एंड पुट द साइन ऑफ माइनस देन राइट फाइव एक्स एंड द पुट द साइन ऑफ एडिशन और बेटा हम हमेशा लाइक टर्म्स को ऐड करते हैं मीन्स सेम वेरिएबल्स को हम ऐड करेंगे ठीक है विथ सेम साइन लाइक साइन को ऐड करते हैं फाइव एंड टू बोथ आर पॉजिटिव फाइव एंड टू को हम ऐड करेंगे एंड थ्री को हम उसमें से सब्रैक्ट करेंगे फाइव एंड टू सेवन एक्स सेवन एक्स माइनस थ्री फोर एक्स एंसर दर क्वेश्चन राइट इट वर्टिकली टू ए प्लस थ्री बी एंड थ्री ए माइनस फोर बी और बेटा हमेशा हम लाइक like टर्म्स के नीचे ही वर्टिकली लाइक टर्म्स को लिखेंगे देन पुट द साइन ऑफ एडिशन देन बेटा चेक द साइन ऑफ टर्म्स थ्री पी पॉजिटिव है फोर बी नेगेटिव है दोनों साइंस चेंज है मीन्स अनलाइक साइंस हैं जब अनलाइक साइंस हो तो हम हमेशा माइनस करेंगे फोर बी माइनस थ्री बी वन बी और वन अननेसेसरी है इसलिए मैं यहां पुट नहीं कर रही देन बेटा हम इस इन दोनों में से जो ग्रेटर है उसकी साइन उसके आंसर में पुट करेंगे कौन सा ग्रेटर है फोर बी देन पुट द साइन ऑफ माइनस देन पॉजिटिव टू ए एंड पॉजिटिव थ्री ए ये दोनों टर्म्स पॉजिटिव हैं जब पॉजिटिव टर्म्स हो तो हम उनको ऐड करते हैं टू ए एंड थ्री ए मीन्स 5a What's the answer? Now beta we will solve another question of addition with horizontal method. How many expressions are there? There are three expressions one expression, two and three. कॉमास हमें शो कर रहे हैं बेटा कि ये एक एक्सप्रेशन है ये सेकंड एक्सप्रेशन है और ये थर्ड एक्सप्रेशन हैं तो हम इन तीनों एक्सप्रेशंस को ऐड करेंगे ऐड करने के लिए बेटा क्योंकि हमें ऐड करना है तो हम कॉमास को रिमूव करके इनकी जगह एडिशन साइन पुट करते हैं लाइक like दिस बेटा हमने कॉमास को रिमूव करके एडिशन साइन पुट की देन हर एक्सप्रेशन को बेटा हमने ब्रैकेट में लिखा ठीक है अब यहाँ देखिए आपको सेपरेट नजर आ रहे हैं एक्सप्रेशन नंबर वन एक्सप्रेशन नंबर टू एंड एक्सप्रेशन नंबर थ्री देन बेटा वी विल मल्टीप्लाई द आउटर साइन विद द इनर साइन ऑफ ब्रैकेट यहां पर देखिए बेटा हम एडिशन से एडिशन साइन से इनर साइन को मल्टीप्लाई करेंगे और यहां पर साइन नहीं है इट्स मीन यहाँ पर पॉजिटिव साइन है पॉजिटिव साइन की वजह से बेटा कभी भी एक्सप्रेशन की साइन चेंज नहीं होती इट्स मीन हम कम्प्लीटली एडिशंस की तमाम टर्म्स को एज इट इज़ लिख देंगे विदाउट ब्रैकेट क्योंकि पॉजिटिव साइन ने इसकी किसी भी साइन को चेंज नहीं किया इसलिए मैं इसको ऐसे ही लिख दूंगी लाइक दिस बेटा जिस टर्म की जो साइन थी वो एज इट इज कॉपी हो गई ठीक है देन अरेज द लाइट टर्म्स लाइक टर्म्स मीन्स एम स्क्वायर एम स्क्वायर की लाइक टर्म कौन सी है एम स्क्वायर टू एम स्क्वायर देन माइनस एम स्क्वायर ये तीनों टर्म्स लाइक टर्म्स हैं मीन्स ये तीनों एम स्क्वायर्स हैं then we will arrange आप साइन भी चेंज नहीं करेंगे जो साइन उन टर्म्स की हैं उन्हीं के साथ उनको अरेंज करेंगे देन सेकेंड टर्म एम एन प्लस एम एन अब एम एन की लाइक टर्म्स कौन सी हैं माइनस थ्री एम एन इनके पास भी दोनों वेरिएबल्स क्या हैं? एम एन देन प्लस एम एन ये दोनों इनकी लाइक like टर्म है तो हम इसको एम एन के साथ लिख देंगे थ्री एम एन प्लस एम एन देन बेटा थर्ड प्लस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अब एन स्क्वायर की लाइक टर्म ढूंढिए जो एन स्क्वायर ही हों प्लस फोर एन स्क्वायर माइनस टू एन स्क्वायर हम सिर्फ वेरिएबल्स देखेंगे और पावर देखेंगे इन दोनों को देखते हुए हम वो टर्म्स like अरेंज कर देंगे ठीक है बेटा देन काउंट ऑल टर्म्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन मैंने ये काउंट क्यों किया ताकि मुझे पता चल जाए कि दोनों में मैंने टर्म्स को कोई भी टर्म मिस नहीं की देन बेटा एम स्क्वायर यहां ये पॉजिटिव है और ये एम स्क्वायर नेगेटिव है पॉजिटिव नेगेटिव को कैंसिल कर देगा एंड टू एम स्क्वायर देन बेटा पॉजिटिव एम एन पॉजिटिव एम एन के साथ ऐड हो जाएगा पॉजिटिव एम एन पॉजिटिव एम एन वन एंड टू मीन्स टू एम एन एंड नेगेटिव एम थ्री एम एन क्योंकि इसकी साइन नेगेटिव थी तो हमने इसको ऐड नहीं किया बेटा एन स्क्वायर एंड फोर एन स्क्वायर बोथ आर पॉजिटिव नंबर तो हम इनको क्या करेंगे ऐड कर लेंगे फोर एंड वन फाइव एन स्क्वायर और ये चूंकि नेगेटिव था तो हमने इसको एज इट इज कॉपी कर दिया देन बेटा टू एम स्क्वायर क्योंकि इसकी कोई लाइक like टर्म नहीं है मीन्स कोई एम स्क्वायर आपको और नज़र नहीं आ रहा देन पॉजिटिव टू एम एन नेगेटिव थ्री एम एन दोनों की जो वेरिएबल से मिटा वो एम एन है तो हम क्या करेंगे इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे अब ये देखना ये है कि इसको ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट बेटा इन दोनों की साइन अनलाइक साइन है चेंज साइन है पॉजिटिव और नेगेटिव जब साइन चेंज हो तो हम हमेशा क्या करते हैं माइनस करते हैं और माइनस हम ग्रेटर नंबर से करेंगे थ्री माइनस टू मीन्स वन एम एन वन एम एन और साइन हमेशा हम ग्रेटर नंबर के पुट करते हैं मीन्स किसकी थ्री एम एन नाउ बेटा पॉजिटिव फाइव एन स्क्वायर नेगेटिव टू एन स्क्वायर इन दोनों के साइन क्या हैं अनलाइक साइन है तो हम क्या करेंगे माइनस करेंगे और जब माइनस करेंगे तो हम ग्रेटर नंबर से माइनस करेंगे मीन्स फाइव माइनस टू मीन्स थ्री एन स्क्वायर और साइन हमेशा हम ग्रेटर नंबर की पुट करते हैं मीन्स पॉजिटिव थ्री एन स्क्वायर अब बेटा यहाँ पर देखिए एम स्क्वायर एम एन एन स्क्वायर ये तीनों टर्म्स बेटा चेंज हैं इट्स मीन इट्स द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नाउ बेटा कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री सप्रेक्शन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बेटा इसके भी वही दो मैथड वर्टिकली एंड होरिजेंटली है और मैं दोनों मैथड आपको यहाँ पर बता रही हूँ माइनस टू एक्स फ्रॉम एक्स प्लस वन मीन्स बेटा एक्स प्लस वन से माइनस करना है आपको माइनस टू एक्स देन फर्स्टली राइट द एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन देन राइट माइनस टू एक्स और माइनस टू एक्स को कहाँ लिखेंगे वन के नीचे नहीं क्यों क्योंकि वो एक्स के साथ है मीन्स वा, एक्स वेरिएबल उसका फ्रेंड है तो हम उसको कहाँ लिखेंगे विथ एक्स वेरिएबल माइनस टू एक्स लाओ बेटा हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में सब्ट्रैक्ट करना है तो हम क्या करेंगे सेकेंड एक्सप्रेशन और सेकेंड टर्म की बेटा हम साइन चेंज करेंगे यहां क्या साइन है नेगेटिव तो हम इसकी साइन चेंज करेंगे और क्या लिखेंगे पॉजिटिव अगर यहाँ पॉजिटिव होता तो हम क्या लिखते नेगेटिव नाउ बेटा वन इज अ कॉन्स्टेंट नंबर क्यों क्योंकि वन के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है और जिस टर्म के साथ कोई वेरिएबल ना हो वो कॉन्स्टेंट नंबर होता है वन के नीचे कोई नंबर है नहीं इट्स मीन वन इज़ रिमेनिंग और वन की साइन क्या है पॉजिटिव तो हम वन की साइन पॉजिटिव ही लिखेंगे अब यहाँ पर तो हमने साइन चेंज कर दी थी जो साइन बेटा आपने चेंज की अब एक्चुअली वो साइन आप कंसीडर करेंगे पॉजिटिव टू एक्स एंड एक्स के साथ कोई साइन नहीं है इट्स मीन यहाँ पर भी हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे तो पॉजिटिव एंड पॉजिटिव एक्स दोनों साइन क्या है लाइक साइन है और लाइक साइंस को क्या करते हैं हम ऐड कर देते हैं मीन्स कर तो हम क्वेश्चन तो सप्ट्रेक्शन का है लेकिन हम क्या करेंगे साइन के अकॉर्डिंग हम अपने ऑपरेशन को यहां पर परफॉर्म करेंगे पॉजिटिव एंड पॉजिटिव इट्स मीन पॉजिटिव तो एक्स एंड टू एक्स ये वन एक्स है और ये टू एक्स है क्या होगा थ्री एक्स नाउ बेटा एनदर क्वेश्चन ऑफ सब्ट्रैक्शन सब्रैक्ट दिस एक्सप्रेशन फॉर्म दिस एक्सप्रेशन मीन्स हमें इस एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना है इस एक्सप्रेशन से तो जिस एक्सप्रेशन से बेटा आपको सब्ट्रैक्ट करना हो पहले हम उसको कॉपी करेंगे और मैं इसमें बेटा आपको हॉरिटेंटल मैथड बता रही हूं टू एक्स प्लस वाई प्लस थ्री जेड देन ब्रैकेट्स और हम क्या कर रहे हैं सब्ट्रेक्ट इसलिए पुट द साइन ऑफ सब्ट माइनस थ्री जेड पुट द ब्रैकेट्स बिटर रिमूव द ब्रैकेट अब हम ब्रैकेट्स को रिमूव करेंगे लेकिन यहां पर देखें यहां पर है नेगेटिव साइन और लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया एडिशन का उसमें हमने क्या किया था यहाँ पर पुट किया था एडिशन साइन तो एडिशन साइन ने किसी भी साइन को चेंज नहीं किया था लेकिन सब साइन थोड़ा सा नॉटी होता है वो क्या करेगा वो इस ब्रैकेट के तमाम साइन को चेंज कर देगा मींस अगर नेगेटिव हो तो उसको पॉजिटिव कर देगा और पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव बना देगा बट रिमेंबर बेटा फर्स्ट एक्सप्रेशन की साइन चेंज नहीं होगी माइनस एक्स को इसने माइनस कर दिया क्योंकि एक्स पॉजिटिव था एंड टू वाई को ये माइनस साइन क्या कर देगी पॉजिटिव पॉजिटिव टू वाई एंड थ्री जेड ये नेगेटिव है तो ये साइन इसको क्या कर देगी पॉजिटिव थ्री जेड अरेंज द लाइक टर्म्स लाइक टर्म्स कौन सी जिनके वेरिएबल सेम होंगे एक्स वेरिएबल एंड X variable two X minus X Y variable and Y variable plus two Y three Z variable and Z variable तमाम लाइक like टर्म्स हमने अरेंज कर दी अब हम उसी तरीके से जैसे हमने एडिशन में किया कि अगर साइन लाइक like है तो हम ऐड करते हैं और अनलाइक साइन है मीन चेंज साइन है तो हम सप्रेक्ट करते हैं टू एक्स पॉजिटिव है और एक्स नेगेटिव है हम क्या करेंगे माइनस टू एक्स माइनस एक्स वन एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव टू वाई दोनों की साइन क्या है लाइक like साइन मीन सेम साइन है हम क्या करेंगे एड कर देंगे वन वाई एंड टू वाई मीन्स थ्री वाई देन पॉजिटिव थ्री जेड पॉजिटिव थ्री जेड दोनों की साइन क्या है लाइक like साइन तो हम क्या करेंगे एड कर देंगे थ्री जेड एंड थ्री जेड मीन्स सिक्स जेट एक्स वाई जी अब यहां पर देखें कोई भी वेरिएबल्स सेम नहीं है इट्स मीन इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन